ख़ाला रबिशरली सदरी वसरली अमरी वाहतमलानौली बसमल रन रिमी अल्लाम वरमि वर्क आज की इस इस क्लास में आप तमाम का इस्ताल करती हूँ खुश आमदीद वेलकम आज की हमारी इस फोर्थ डे क्लास में हम कसर रुकनी के तल्ल से सबक से मालूम हासिल कर रहे हैं तो मैं अनजु मुन्नी साहबेगम गौरमेंट उर्दू हाई स्कूल मटाला तल्लुआ बसवा कल्याण डिस्ट्रिक्ट बीदर से ताल्लुक़ रखती हूँ तो आज हम क्या है लास्ट पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर थेरम के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम फैक्टर थेरम के बारे में मालूम हासिल करेंगे तो फैक्टर थेरम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहूँगी नॉर्मली जो हमारे फैक्टर्स जुज़ व ज़रबी का मसला फैक्टर थेम जिसे हम जज जरबी कहते हैं तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली जब हमें एक नंबर्स के फैक्टर्स बनाना होता है जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे फिफ्टीन है तो फिफ्टीन के फैक्टर्स क्या बना रहे हैं? हम अज़ज़ा जुज़ जज् ज़रबी जुज़ यानि हिस्से जरबी यानि जरब तो इन हिस्सों के दरमियान ज़रब लगा देना वो क्या कहलाता है जुज्व ज़रबी अब पंद्रह के फैक्टर्स क्या बना रहे हैं देखिए हम यहाँ पे पाँच दिया पंद्रह या तीन पंजे पंद्रह बोलिए एक ही बात है तो ये फैक्टर्स को बनाने के बाद जब हम पंद्रह के फैक्टर्स तो बना दिए हम पाँच दिया पंद्रह अब वो फैक्टर्स को लेकर आप मज़ीद पंद्रह को फिर वो फैक्टर जो बनाए हैं अलग अलग हिस्सों से तकसीम करेंगे तीन पंजे पंद्रह फिर आपको बाकी क्या हासिल होगा सिफ़र या आप और एक फैक्टर से तकसीम कीजिए पंद्रह को तभी तो आपको क्या हासिल हो रहा सिफ़र तो ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या कहलाते हैं जुज्व ज़रबी तो इस तरह जब आप एक नंबर्स के फैक्टर्स बना रहे हैं तो ये जो दोनों नंबर्स हैं वो उस नंबर के फैक्टर तब कहलाते हैं जब आपका रिमाइंडर क्या है बाकी सिफ़र हासिल होता है अब देखिए यहाँ पे पाँच दिया पंद्रह ले रहे हैं या तीन पंजे पंद्रह ले रहे हैं हम ये दोनों फैक्टर्स बना के तकसीम कर रहे हैं तो हमको बाकी सिफर हासिल हो रहा अब मिसाल यही पंद्रह के फैक्टर्स और क्या बना सकते हैं पंद्रह इक्कान पंद्रह भी ले सकते हैं देखिए है। लेकिन जब आप पंद्रह को पंद्रह से तकसीम करते हैं बाकी आपको सिफ़र हासिल होता लेकिन जब आप एक को पंद्रह से तकसम करते हैं तो आपको रिमाइंडर सिफर हासिल नहीं होता तो लिहाजा हम क्या बोलते हैं पंद्रह इक्कान पंद्रह ये फैक्टर्स नहीं हैं किसके पंद्रह के क्योंकि हमको बाकी सिफर हासिल नहीं हो रहा तो जुज्व ज़रबी का मसला फैक्टर थेरम समझने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल समझा रही हूँ जब आप किसी नंबर के फैक्टर्स बना रहे हैं तो वो फैक्टर्स उसके अज्जा फैक्टर्स कब कहलाते हैं जब आपका रिमाइंडर सिफ़र हासिल होता है तो तब हम क्या कहेंगे ये इसके फैक्टर्स हैं या हमको सिफ़र हासिल हो रहा तभी ये फैक्टर्स हो सकते हैं ऐसा हमें फैक्टर थेरम में साबित करना है तो ये तो हो गया नंबर्स में कॉमन नंबर्स में एक फ़ित्री आदात की ये तकसीम हो गई और फैक्टर्स बना दिए इसी तरह इस तरह के फैक्टर्स क्या है कसीर रुकनियों में भी होते हैं मिसाल के तौर पे एक है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सब इससे वाकिफ़ हैं तो इसके फैक्टर्स क्या बना रहे हैं हम ए प्लस बी इन ए माइनस बी तो ये फैक्टर्स है बोलकर हम तभी बोलते हैं इसको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए जमा बी से तकसीम करते हैं तो आपको रिमाइंडर ज़ीरो हासिल होना तो ही क्या बोलते हैं हम इसको ए जमा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फैक्टर है अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी से तकसीम कर रहे हैं लेकिन आपको क्या है बाकी सफ़र हासिल नहीं हो रहा तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं इसको कि ये फैक्टर नहीं है उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप ए माइनस बी से तकसीम कर रहे हैं अगर आपको रिमाइंडर बाकी सिफर हासिल हो रहा तो अब आप, आप क्या कहेंगे इसको कि ये ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर है नहीं तो ये फैक्टर नहीं है सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछली क्लास में हम जो रिमाइंडर थेरम पढ़े हैं उसके तहत ए प्लस बी है आप इससे एक ए प्लस बी इक्वल टू जीरो कर दीजिए तो यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू आपकी वैल्यू एक माइनस बी आ जाती देखिए वो माइनस बी को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रखिए एक की जगह पर आप बी सब्सटीट्यूट कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो हासिल हो रहा आपको फिर उसी तरह a माइनस बी इक्वल टू जीरो कर दीजिए फिर ए इज इक्वल टू बी आता आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सब्सटीटूट कर दीजिए तो यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर ज़ीरो हासिल हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ के जो फैक्टर्स बन रहे अगर रिमाइंडर जीरो बच रहा तभी ये फैक्टर्स हैं उस नंबर के या उस कसीर रुकनी के अगर यहाँ पे हमको फैक्ट रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बच रहा तो हम क्या कहेंगे कि ये फैक्टर्स नहीं हैं तो आइए ये ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम अपने मेन थेरम की तरफ चलते हैं फैक्टर थेरम यानी जुज्व ज़रबी का मसला तो ये जुज्व ज़रबी का मसला क्या है देखिए पी ऑफ एक्स एक कसी रुकनी है जिसका दर्जा एक या एक से बड़ा है और a, a एक हकीकिया दद है तब कंडीशंस क्या है यहाँ पे ज़ाबते के इसका मसला क्या बयान करता है x माइनस ए पी ऑफ एक्स का जुज्व ज़रबी है अगर पी ऑफ ए इज़ एक टू ज़ीरो हो तो और दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है आपको अगर p ऑफ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो x माइनस ए पी ऑफ एक्स का जुज है यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है जैसा मैं आपको पंद्रह की मिसाल फैक्टर्स बना के बताई हूँ सेम स्टूडेंट्स उसी तरह है यहाँ पे देखिए अजीज़ तलबा तालिबात जब आप पी ऑफ एक्स को x माइनस ए से तकसीम करते हैं तो आपका रिमाइंडर पी ऑफ ए हासिल होता है तो यहाँ पे यहाँ क्या बताना चाह रही है मसले में x- माइनस ए जो है p ऑफ x का जुज्व ज़रबी है अगर पी ऑफ ए इज एक जब आप p ऑफ x को x- माइनस ए से तकसीम कर रहे हैं और आपका जो बाकी सीफर बच रहा तो तब क्या कहेंगे आप x- माइनस ए को इसका जज्व जरबी है अगर नए सीफर हासिल हो रहा तो ऑटोमेटिकली जो आप फैक्टर्स बना रहे वो उसके जुज्व जर भी होते हैं इस तरह की ये थेरम है तो अब हम ये थेरम को चलिए सबूत साबित करते हैं सबूत की तरफ चलते हैं तो पहले कंडीशन में हमको क्या साबित करना है बाकी मसले के तहत हमें बाकी मसला पता है बाकी मसला क्या है रिमाइंडर थेरम क्या है अगर पी ऑफ एक्स को एक ख़त मसावत एक्स माइनस ए से तकसीम किया जाए तो हमें पी ऑफ ए बाकी हासिल होगा हमारा ये रिमाइंडर थेरम है और डिवीजन फैक्ट के मुताबिक मकसूम इज़ एक टू तो कासम इन टू खारिज़ क़स्मत प्लस बाकी है ये मसला बाकी के तहत हमारी मसावत नंबर एक आ गई तो अब यहाँ पे देखिए ये मसावत एक हो गई तो हमें मालूम है यहाँ पे पी ऑफ ए इक्वल टू आर ऑफ एस आर ऑफ एक्स बाकी मसले के तहत हमें क्या हासिल हो रहा जब हम एक कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स को एक खती कसीर रुकनी x माइनस ए से तकसीम करते हैं तो हमें रिमाइंडर की सूरत में पी ऑफ ए बाकी हासिल होता है बोलकर हम बाकी मसले में देख चुके हैं इसी तरह पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो थेरम में दिया गया है फर्स्ट कंडीशन में कि अगर बाकी सीफर है तो ये जो फैक्ट ये दोनों जो भी फैक्टर्स होंगे उसके जुज्व जरबी होंगे तो पी ऑफ ए अगर जीरो है तो ऑटोमेटिकली बाकी मसले के तहत पी ऑफ a इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स है तो आपका आर ऑफ़ एक्स जीरो हो जाएगा तो आर ऑफ एक्स अगर आपका ज़ीरो रखेंगे आप मसावत एक में तो आपको मसावत दो हासिल होगी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस जीरो तो यहां पर इक्वेशन टू हासिल हो गई देखिए आपको क्योंकि आर ऑफ एक्स जीरो हो गया आपका आपकी पहली कंडीशन में दिया गया है कि बाकी क्या है सीफर है अगर यह बाकी सीफर है तो ऑटोमेटिकली एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स का एक जुज़ है यानी एक हिस्सा है क्योंकि जब हम पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से तकसीम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है ज़ीरो हासिल हो रहा है तो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लिहाजा ये मसला यहाँ पे साबित होता है तो दूसरे इसमें देखिए आप मसावा दो से ज़ाहिर होता है कि एक माइनस ए एक जुज़ है यानी रुकन है पी ऑफ एक्स का दूसरी कंडीशन कन्वर्सली प्रूफ करना है आपको जैसा अब आप प्रूफ करें कि तकसीम करने के बाद सिफ़र हासिल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके जुज हैं हिस्से हैं अगर उन सीफ़र कन्वर्सली अपोजिट में आपको कैसे सोचना है अगर सिफ़र आ रहा तो ऑटोमेटिकली वो जुज हो ही सकते हैं हाइ है, इस तरह आपको साबित करना है देखिए तो यहाँ पे देखिए जब x माइनस एक रुकन है p ऑफ एक्स का तो p ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा बोल के ये साबित करना है अब आपको चलिए अब आप सबूत की तरफ चलते हैं मसला बाकी के तहत अभी अभी हमने हासिल किया है p ऑफ एक्स इज़ एकवल टू एक्स माइनस ए इं टू क्यू ऑफ एक्स तो यहाँ पर मसावत नंबर एक है ये तो बाकी मसले के तहत तो x क्या है एक मतगैर है उसकी वैल्यू हमेशा बदलते रहती है चेंज होती रहती है तो लिहाजा हम यहाँ इज़ इक्वल टू ए ले लेते हैं तो मसावत एक में जहाँ भी x नज़र आ रहा वहाँ पे x की वैल्यू a दर्ज करने पर हमको क्या हासिल होता है देखिए p ऑफ a इज़ इक्वल टू एक्स की प्लेस पे हम क्या दर्ज कर रहे हैं ए दर्ज कर रहे हैं ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स तो P ऑफ A इज इक्वल टू A में से A चले गया कैंसल हो गया जीरो जीरो इंटू क्यू ऑफ एक्स तो P ऑफ A इज इक्वल टू जीरो तो हमने साबित कर दिया कि x माइनस एक रुकन है पी ऑफ एक्स का तो पी ऑफ ए जीरो हासिल होगा यहाँ पे ये थेरम को समझने का बहुत ही आसान तरीका एक मैं आपको जो पहले बता चुकी हूँ पंद्रह के फैक्टर उस बेसिस पे आप कंसंट्रेट करते हुए इस थेरम को साबित करने की कोशिश कीजिए कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे बहुत आसान है ये जब ये दो फैक्टर्स आप बना रहे पंद्रह के पाँच दिया पंद्रह बोल के जब ये पन, ये फैक्टर्स ये नंबर्स लेकर आप मजीद वो नंबर को तकसीम करेंगे आपको अगर रिमाइंडर जीरो हासिल हो रहा तो ऑटोमेटिकली क्या बोलेंगे हम डेफिनेटली ये इसके फैक्टर्स हैं और कन्वर्सली कैसा करना है जब जीरो हासिल ही हो रहा तो ऑटोमेटिकली फैक्टर्स रहते हैं बोलकर इसका ये मीनिंग हो सक ये मीनिंग है तो इस तरह कन्वर्सली भी हमने साबित कर दिया तो आइए अब जांच करते हैं मिसालों के ज़रिए समझते हैं कि फैक्टर थेरम के ज़रिए हम मसाइल यानी मुख्तलि प्रॉब्लम्स को कैसे हल करें यहाँ पे देखिए एक मिसाल है जांच कीजिए कि x प्लस टू थ्री एक्स की तीसरी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स का जज़्व ज़रबी है या नहीं तो अब हम रिमाइंडर थेरम के थ्रू इजीली एक्स प्लस टू आपको दो कसर रुकनियाँ दी गई हैं यहाँ पे एक है एक्स प्लस टू और दूसरी कसर रुकनी है एक्स की तीसरी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स तो सबसे पहले हम चलते हैं पी ऑफ एक्स ले लिए एक कसैर रुकनी हो गई अब हल की तरफ चलिए तो मस जी ऑफ एक्स आपकी दूसरी कसर रुकनी हो गई क्योंकि क्वेश्चन में सवाल में आपको दो मस कसर रुकनी दी गई हैं एक पी ऑफ एक्स है एक जी ऑफ एक्स है अब ये जी ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स एक खती ख़त कसीर रुकनी है इससे आप एक्स की वैल्यू ले लीजिए तो एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को जीरो से कंपेयर करते हैं और एक की वैल्यू ले लेते हैं देखिए एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे माइनस टू क्योंकि प्लस टू मसावी के ये लेफ्ट साइड है अब हम उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो उसकी अलमत तब्दील होगी बदलेगी क्योंकि हमारा एक मैथमेटिक्स का जो उसूल है नंबर्स हो या अल्फ़ाबेट्स हो जब हम उसको राइ मसावी के राइट right से लेफ़्ट को लेके आते हैं या लेफ़्ट से राइट right को उसकी प्लेस चेंज करते हैं तो उसकी जो अलामत होती है वो चेंज होती है तब्दील होती है तो यहाँ पर भी हमको क्या हासिल हुआ देखिए x की वैल्यू माइनस टू आ गई ठीक है अब ये x की वैल्यू माइनस टू हम मसावत एक में दर्ज करते हैं और दर्ज करने पर अगर हमको आंसर सी पर हासिल होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये इसका जुज़ो ज़रबी है फैक्टर है अगर सिफर हासिल नहीं होता तो हम क्या कहते हैं ये इसका फैक्टर नहीं है तो आइए देखते हैं यहाँ पे मसावत एक में पी ऑफ एक्स की खिमत, X minus, मसावी माइनस टू मसावत एक में रख देते हैं आपकी मसावत एक क्या है देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की तीसरी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये हो गई आपकी मसावत एक, तो यहाँ पर p ऑफ x की जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम x की जगह पर माइनस टू रख देने पर दर्ज करने पर हमें क्या हासिल हो रहा है देखिए p ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू एक्स की तीसरी माइनस टू क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर थ्री इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स आगे देखिए माइनस टू क्यूब क्या हो गया दो दुगनी चार चार दुगनी आठ माइनस एट हो गया प्लस थ्री टू स्क्वायर दो की दूसरी चार माइनस पाँच दोगुनी दस जमा इंटू मनफी मनफी प्लस सिक्स तो पी ऑफ टू इज इक्वल टू माइनस एट प्लस थ्री इंटू फोर माइनस टेन प्लस सिक्स आइए आगे इसको और मज़ीद मुख्तर करते हैं माइनस एट प्लस तीन चौक बारह माइनस टेन प्लस सिक्स p ऑफ minus 2 इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस टेन माइनस एट माइनस एटीन प्लस टूल सिक्स एटीन एटीन माइनस एटीन आ गया तो p of माइनस टू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे जीरो आ गई तो p of टू की वैल्यू जीरो आ गई इसका मतलब क्या हुआ जो x प्लस टू है वो x की तीसरी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स का जुजो जरबी है तो जो भी हम इस तरह का इन फै यहाँ पे क्या है आपको फैक्टर बना कर दिए गए हैं तो जैसा कि पांच या पंद्रह उस तरह नंबर्स में फैक्टर्स बनाए गए थे जुज बनाए गए थे तो यहाँ पे कसीर रुक्नियों में भी क्या है एक फैक्टर दिया गया आपको, है आपको कि एक्स जमा दो क्या ये कसीर रुक्नी का जुजो जरबी है तो आप इसको तकसीमी तरीक़े से भी करेंगे तो आपको लॉन्ग डिविजन मेथड से भी बाकी रिमाइंडर ज़ीरो ही हासिल होता लेकिन ये हमने आसान मेथड कहाँ से सीखा है रिमाइंडर थेरम से सीखा है कि डायरेक्ट एक्स की वैल्यू ले, ले लेना और दूसरी कसर रुकनी में रख देना तो हमको बाकी हासिल होता है तो इस तरह रिमाइंडर थेरम का इस्तेमाल अब हम फैक्टर थेरम में भी कर रहे हैं क्या मालूम करने के लिए कि दिए गए फैक्टर्स उस कसी रुकनी का हिस्सा हैं या नहीं है तो यहाँ पे x प्लस टू क्या है दी गई कसी रुकनी का जुजो जरबी है क्योंकि हमारा जो आंसर हासिल हुआ है हमें सीफर हासिल हुआ है ठीक है नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे आइए और देखिए मिसाल टू में देखिए जज्व जरबी का मसले का इस्तेमाल करके बताइए कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का जज़्व जरबी है या नहीं है तो यहाँ पर भी आपको दो इक्वेशन्स दिए गए हैं पी ऑफ एक्स एक इक्वेशन दी गई है और जी ऑफ एक्स दूसरी इक्वेशन दी गई है तो पी ऑफ एक्स जो इक्वेशन है आपकी क्या है देखिए दो एक्स की तीसरी जमा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन और जी ऑफ एक्स आपको जो दूसरी इक्वेशन दी गई है वो क्या है एक्स प्लस वन है और आपको सवाल में पूछा गया है कि क्या ये एक्स प्लस वन तो एक्स की तीसरी जमा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन का फैक्टर है या नहीं जुज़ वरबी है या नहीं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए जी ऑफ एक्स जो आपकी ख़ते कसीर रुकनी होती है उसको आप ज़ीरो से कंपेयर करते हुए आपको सबसे पहले X की वैल्यू उसमें से ले लेना है तो एक्स की वैल्यू जो ही आती आप उस X की वैल्यू को आपको और जो दी गई मसावत रहती कसीर रुकनी रहती उसमें आपको सब्सटीट्यूट करना है दर्ज करना है तो दर्ज करने पर आपको आंसर सीफ़र हासिल हो रहा तो आप क्या कहेंगे हाँ ये जज्वो ज़रबी है अगर सिफ़र को छोड़कर कोई नंबर हासिल हो रहा आदत ए एक माइनस ए कुछ भी हासिल होने दो तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं जज़् ज़रबी नहीं है जज् ज़रबी होने की कंडीशन क्या है हमारे फैक्टर थेरम के मुताबिक कंपलसरी वहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है जो बाकी बच रहा है वहाँ पे कंपलसरी क्या होना है सिफ़र ही बचना है तब ही हम क्या कहते हैं ये फैक्टर है ये जुजो जरबी है दी गई मसावत का तो अब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है तो इससे हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं देखिए एक्स प्लस वन इज एकवल टू जीरो तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है तो बोलिए x की वैल्यू क्या आती देखिए x देखिएवल टू प्लस वन मसावी के वो तरफ चले गए आप क्या कर रहे हैं मसावी के लेफ्ट साइड में है प्लस वन आप उसकी प्लेस चेंज करके राइट right साइड ले जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई वो प्लस वन है तो माइनस वन बन जाती माइनस वन है तो प्लस वन बन जाती तो यहाँ पे देखिए हमको एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन अब ये एक्स की वैल्यू को आप पी ऑफ एक्स में दर्ज करना है दर्ज करने के बाद आपको मुख्तसर करना है और आंसर क्या आता वो जानना है तो देखिए एक्स माइनस वन मसावत में रखिए आपकी पी ऑफ एक्स में पी ऑफ एक्स क्या है देखिए आपका पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन ठीक है अब जहाँ भी आपको इस मसावत में एक्स नज़र आ रहा देखिए वहाँ पे आप एक्स की प्लेस पे माइनस वन रखते चलिए पी ऑफ एक्स एक्स की प्लेस पे क्या रख दिए हम माइनस वन इज एकवल टू टू इन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक की तीसरी प्लस एक्स की दूसरी फिर एक्स की प्लेस पे माइनस वन होली स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू वन एक्स की जगह फिर क्या दर्ज करें हम माइनस वन फिर मसावत का माइनस वन यहाँ तक पहुँच जाए आइए आगे, आगे सिंप्लीफाई करते हैं पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन क्यू माइनस एक की तीसरी एक को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे एक एकन, एक, एकन, एक ही हासिल होगा माइनस साइंस को भी मल्टीप्लाई कीजिए माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस वन क्यूब क्या हासिल हुआ माइनस वन और माइनस वन स्क्वायर प्लस वन माइनस वन इंटू माइनस वन एक एक करने एक माइनस इंटू माइनस प्लस तो माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस दो एक का दो माइनस वन इस तरह पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू फिर दो से आप माइनस वन को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस दो एक कन दो प्लस, वन, प्लस टू माइनस वन यहाँ पर देखिए पी आफ माइनस वन इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ पे प्लस टू माइनस टू कैंसल माइनस वन प्लस वन कैंसल तो आपको आंसर क्या हासिल हो गया देखिए यहाँ पे सी फर जहां भी आपको रिमाइंडर यानी सी फर हासिल हो रहा तो आप क्या कहेंगे एक्स प्लस वन दो एक्स की तीसरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन का जुज्व जरबी है यानी इसका एक फैक्टर है तो ये हो गई फैक्टर थेरम और फैक्टर थेरम पर एग्जाम्पल्स ठीक है अब आइए चलते हैं आगे तो हमने क्या सीखा यहाँ पे फैक्टर थेरम क्या है और फैक्टर थेरम पर मुख्तलिफ मसले किस तरह हल करेंगे तो एहतसाब करते हैं एवोलेशन बोलिए फैक्टर थेरम क्या है जरबी का मसला बयान कीजिए अज़ीज़ तलबा तलबा जरबी का मसला क्या है हाँ तो देखिए पी ऑफ एक्स एक कसीर रुकनी है जिसका दर्जा एक या एक से बड़ा है और ए कोई हकीक़ी अदद है तब क्या हो रहा है यहाँ पे x माइनस ए पी ऑफ एक्स का जुजो जरबी है अगर p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो है तो x माइनस ए पी ऑफ एक्स का जुजो जरबी है तो ये थेरम को समझने के लिए आसान सिर्फ आप एक पंद्रह जो नंबर है उसके फैक्टर की मिसाल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं देखिए पाँच दिया पंद्रह हम कर रहे तो पाँच और तीन पंद्रह के हम फैक्टर्स बना दे रहे या तीन और पाँच पंद्रह के फैक्टर्स बना दे रहे तो हम पाँच को पंद्रह का फैक्टर है कब बोल रहे जब हमको रिमाइंडर ज़ीरो पी आफ ए यानी बाकी को बोल रहे हैं हम बाकी सिफ़र हासिल हो रहा उसी तरह आप पी पाँच को तीन से आप पंद्रह को तीन से आप तकसीम कर रहे तीन पंजा पंद्रह आटोमेटिकली जब सिफर हासिल हो ही रहा है तो हंड्रेड परसेंट उसका जुज होता है ये ऐसा कन्वर्सली थेरम को हमने साबित कर दिया है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ मसले भी हमने देखे हैं आइए और एक मसला इस पर हल करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर फैक्टर थेरम एक्चुअली है क्या पी ऑफ एक्स एक अगर एक कसीर रुकनी है जिसमें एक कोई एक हकी अदद है जिस तो यहाँ पर क्या बता रहे यहाँ पे जब इस पी ऑफ एक्स को एक खती कसी X -A, से हम तकसीम करते हैं तो उसको जुज्व जरबी है हम कब बोलते हैं जब रिमाइंडर सी पर हासिल होना ठीक है नेक्स्ट एक दूसरा सवाल है देखिए यहाँ पे जज्व जरबी का इस्तेमाल करके बताइए क्या क्या जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का जुज्व जरबी है या नहीं है तो एक इक्वेशन दी गई है आपको पी ऑफ एक्स क्या है देखिए एक्स की तीसरी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एक मसावत है यहाँ पे ठीक है और दूसरी मसावत क्या है देखिए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है तो सबसे पहले आप एक काम क्या कर लीजिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स से एक्स की वैल्यू ले लीजिए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या थी आपको वैल्यू बोलिए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस टू क्योंकि x प्लस टू इक्वल टू हम जीरो करते हैं तो x इज़ इक्वल टू प्लस टू उधर चले गया तो माइनस टू बन गया तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या आ गई देखिए माइनस टू अब ये x की वैल्यू जो माइनस टू आ गई वो हम पी ऑफ एक्स में रख देते हैं पी ऑफ एक्स में रखने के बाद हम क्या करते हैं उसको मुख्तसर करते हैं और हमारे आंसर की जाँच करते हैं ठीक है चलिए देखते हैं एक्स की खुवत x, x की वैल्यू एक्स कीमत माइनस टू मसावात में रखने पर देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की तीसरी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन है देखिए ठीक है पी ऑफ जहां भी आपको एक्स नजर आ रहा वहां पे आप माइनस टू रखिए पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू की तीसरी प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स की जगह पर फिर माइनस टू प्लस वन माइनस टू क्यूब करना है आपको माइनस टू क्यूब क्या होता है फिर दो दोगनी चार चार दोगुनी आठ फिर टू स्क्वायर दो दो को दो से जरा दीजिए चार प्लस इंटू माइनस माइनस तीन दोगुनी छः प्लस वन ठीक है पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस ए प्लस चार दिया बारह माइनस सिक्स माइनस वन तो पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ पर नंबर्स देखिए प्लस माइनस एट है माइनस सिक्स है माइनस वन है। हैटीन माइनस फोर्टीन होना देखिए फोर्टीन होना वहाँ पे गलती से थर्टीन हो गया है माइनस एट माइनस सिक्स माइनस वन माइनस फोर्टीन फिर यह ट्वेल्व है आपका ट्वेल्व लास्ट का माइनस वन नहीं प्लस बल्कि प्लस वन है तो ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन थर्टीन माइनस फोर्टीन माइनस वन मच गया यहाँ पे तो ये माइनस वन जो बच रहा है यहाँ पे ज़ीरो तो नया आया देखिए यहाँ पे तो हम क्या बोलते यहाँ पे जी ऑफ एक्स पी ऑफ़ एक्स का जुज्व ज़रबी नहीं है क्योंकि हमको पी ऑफ़ टू की जो माइनस टू की वैल्यू हासिल हुई है वो ज़ीरो हासिल नहीं हुई हमको बाकी ज़ीरो नहीं मिल रहा अगर बाकी ज़ीरो नहीं मिल रहा कोई और नंबर हासिल हो रहा तो हम क्या कहेंगे दी गई मसावात या दी गई कसी रुकनी उस फैक्टर उस कस झुकने का फैक्टर नहीं है जुजो जरबी नहीं है तो आप आपको जी ऑफ एक्स और पी एफ एक्स दिया गया था यहाँ पे क्या फैक्टर है क्या पूछा गया था आपको आंसर हासिल हो रहा देखिए तो, तो हासिल हासिल हो हो रहा रहा तो तो नहीं आप क्या बोलेंगे ये फैक्टर नहीं है किसका जी ऑफ एक्स पी एफ एक्स का जुजो जरबी नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर जीरो हासिल नहीं हुआ है आपके लिए होमवर्क है देखिए अजीज़ तलबा व तलबात आप अपनी किताब के बखिया मश्क़ी सवाल हल कीजिए तो आज हमने यहाँ पर फैक्टर थेरम के बारे में पढ़ा और फैक्टर थेरम पर मुख्तलिफ सवाल हल किए तो यहाँ पर फैक्टर थेरम में आसान सवालत हैं आपकी किताब में बहुत सारे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए मश्क कीजिए हल कीजिए तो आज यहाँ पर हमारी क्लास इख्ताम होती है जिसमें हमने रिमाइंडर थेरम और उस पर मुख्त मिसालें देखी हैं मैं अंजुम उन्नीसा बेगम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मटाला त्लुका बसवा कल्याण और डिस्ट्रिक्ट बीदर से हूँ तो यहाँ पे आज की आपकी चौथी क्लास इख्ताम होती है जजाकल्ला थैंक यू वेरी मच